उल्टियां आ रही थी अभी तो। क्या खुशबू सही ये ना, अरे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हमारे दिवाली के गिफ्ट्स आ चुके हैं जो कि एक्चुअली पापा लेके आए हैं। पापा हमारे लिए नहीं लेके आए, पापा को ऑफिस से लोगों ने, अलग अलग लोगों ने गिफ्ट किए हैं। तो इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स आए हैं तो मैं कहा व्लॉग कर लेते हैं तो दिखाते हैं अभी। तो ये तो कुछ हैम्पर सा लग रहा है। ये बाल बुल भेज देते हैं मम्मी आजकल, स्टाइल है ठीक है। ओ हम गरीब लोगों को समझ भी नहीं आता ये स्टाइल, तुम्हें समझ में आता भाई कैसा स्टाइल है ये, निकल ही नहीं रहा है ये, कैसा स्टाइल है ये, सीली खुल रहा है, नकली स्टाइल है दोस्तों। भाई साहब ये क्या है, आए हाय सॉरी, आए हाय ये तो टमाटो चटनी है भाई, महंगे लोगों की चीजें हैं ये, हमें नहीं आती अच्छी। चॉकलेट हमारे घर में कोई खाता ही नहीं, ना मम्मी खाती है ना मैं, चॉकलेट पीयू होती तो पीयू खा लेती खाते हैं। ये बहुत तगड़ी चीज है। ओ ये कैंडल स्टैंड है भाई, तो ये तोप है ना, बहुत बढ़िया कैंडल जलाएंगे लगाएंगे हम। और ये है केक, ये क्या हम विदेशी कल्चर क्यों है यहाँ पे, कुछ ज्यादा विदेशी नहीं हो रहा। केक तो भाई क्रिसमस में होता है, दिवाली में क्यों भेज दिया तेरे सर में डाल दिए। खोलो, ओ वाओ ये तुम खोलो, वाह रिबन खोलने में तो 6 दिन लग जाएंगे, लगेंगे भाई इतना लगा हुआ है। कितना खुशबू है, अच्छा। दोनों साथ में कर रहे हैं भाई, महंगी लोगों के महंगी चीजों की आदत ही नहीं है, खोलते ही इतना अच्छा खुशबू, अरे निकल भी नहीं रहा है भाई। अरे ऐसे नहीं भाई, पागल हो गए हम दोनों। ओ कैंडल, मैं तो सोचा था मैंने बोला ना अमीर लोगों की देखो गाइस वीडियो में स्मेल नहीं सुंगा सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक आइडिया आया, ये कैंडल का सूंघ बुझाएगा तो शायद ये ग्लास भी यूज कर सकते हैं, अच्छा ग्लास है। देख रहे हो गाइस, समझ गया। और प्रीमियम चीजों में एक चीज ऐसी आई है जो हर जगह सोम पापड़ी के रूप में जाती है, बट हमारे पास एक्चुअली और भी है लेकिन प्रीमियम वाले दिखा रहे हैं वैसे। ओ छोटे मोटे दूसरा वाला ये देखो गाइस, मीट महंगी महंगे घरों में, महंगे महंगे गिफ्टों के साथ, महंगे जो आए हैं वो चूज करके वही दिखा रहे हैं। देखो कौन देता है अब, सब तो भाई सोम पापड़ी और दिवाली खुश हो गया, तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। अब आप बोलेंगे कि पापा गिफ्ट लाए हैं उनको हैप्पी दिवाली। देखो अभी बज रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है अभी और हमें कल कहीं जाना है, और पापा अभी ऑफिस से आए तो नहाने गए हैं तो उनको अभी हैप्पी दिवाली करा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारे ट्रिप पे जाने का वक्त आ चुका है, तो कल हम लोग जाने वाले हैं अपनी जिंदगी की सबसे लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप में, और हम लोग जाने वाले हैं कल प्रयागराज, डायरेक्ट दिल्ली से प्रयागराज। अभी हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, बीच में रुकना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को तो बहुत आशा है रोड ट्रिप में, आशा है कि नहीं रुकना पड़ेगा। यहाँ से सीधा हम जाएंगे प्रयागराज, वहाँ रुकेंगे कुछ दिन पता नहीं, उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे वाराणसी, वाराणसी से हम जाएंगे अयोध्या, अयोध्या से कहाँ था लखनऊ, लखनऊ से बैक। तो ये हमारा पूरा रूट है वहाँ का जो हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों अब दिवाली में घर पे तो होंगे नहीं तो सोच रहे हैं आज दिया जला लेते हैं, कल तो निकलना ही है तो ये ना, अरे अच्छा लग रहा है। तो बहुत टेस्टी है भाई, सब गोलमाल है, टेस्टी है, मुझे भी देना। हाँ यार ये तो बड़ा टेस्टी है, जिनको कुछ समझ में नहीं आया ये दिया नहीं है ये क्या है, ये खाने की चीज है, ये एक इंडोनेशियन डेजर्ट है जिसको हम तोड़ तोड़ के खाए जा रहे हैं, बिल्कुल दिया जैसा है देखने में, और इसमें हमने ये बात ही लगा दी थी फालतू की। ये देखें ये एक डेजर्ट है, पूरा दिखाऊं और एक लाके, तो ये इंडोनेशियन डेजर्ट है, मतलब कुछ तो स्नैक्स है, ये पाई सुस, ये क्या पाई सुसु लिखा हुआ इसमें ये ऐसा कुछ है। तो मम्मी जब मेरे पास लेके आई थी तो बोलती ये दिया है, तो मेरे को भी लगा ये तो दिया है, मैंने कहा इससे कंटेंट निकाला जाए। तो अभी बज रहे हैं
सुबह के 3:41 और अभी उठे निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हूँ और मम्मी वहाँ पर पूजा दे रही हैं, पापा अभी उठने वाले हैं, शायद तैयार हो रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग, हम रेडी हो गए और ये बैग लेके जा रहे हैं। पापा फुल सुपर फास्ट चले गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं एंड आशा करते हैं कि सब बढ़िया रहेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ये लो पकोड़ा मिल गया इनको, ये तो गए नहीं, अभी तो जाग गए पकोड़ा के खुशबू से ही। कह रहा था मैं 10 बजे से पहले उठूंगा नहीं सो जाता हूँ, हम कह रहे हैं 10 बजे फिर रुकेंगे तो चाय पी के आते हैं साथ में पराठा भी। ये देखो पकोड़ा आते ही उठ गए। अभी वॉशरूम ब्रेक लिया है, हवा टाइट हो चुकी है, मम्मी की उल्टियाँ आ रही थी अभी तो। उल्टी नहीं, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है बहुत, चक्कर आ रहा है। अभी आधा रास्ता हुआ है और आधा रास्ता है ना। चाय के शौकीन वहाँ दोनों मिलके चाय बिस्किट खा रहे हैं। जब भी दिखाओ इनको इनका टकलू ही दिखता है। वो अब बैक शॉट क्या करे। सामने ज्यादा बातचीत कर ही नहीं रहा पापा, बैक शॉट का ज्यादा सांस भी नहीं है। और यहाँ पे तो हमें भूख भी नहीं है और मम्मी जी की गर्दन की वजह से हवा टाइट भी हो रखी है, तो आधा रास्ता हो गया, मतलब इट इज लाइक अभी कैसे बोलूं 2.5 out of 4 स्नैक्स घर के लाए हुए, हम वही खा लेते हैं, मतलब मैं। खाना अभी लंच कर रहे हैं और भी शायद 3 घंटा लगेगा और फिर पोस्ता वोस्ता शाम हो जाएगा, शाम को जाके फिर आरती पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, इसलिए फटाफट खाए जा रहे हैं। भैया राम घाट किधर पड़ेगा? ये राम घाट किधर है? राम घाट बड़े हनुमान मंदिर अच्छा यही है। राम घाट किधर है? जाना किधर से? फाइनली रूम में पहुंच गए,
जैसे तैसे आरती के टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच के आरती एक मिनट पहले पहुंचे हैं। आरती की वो आरती जला रहे थे जस्ट, उसके बाद इधर उधर होटल ढूंढते ढूंढते जो ऑप्शन मैंने चूज किया था सबसे पहले उसी में आके रुके। तो बस अब हवा टाइट हो चुकी है, 13 घंटे से ड्राइविंग हो रही है भैया, और सुबह 4:30 बजे आपकी कितना बजे हैं? और अभी बज रहे हैं 14 घंटे अरे नहीं 15 घंटे तो अभी सिर्फ डेड हो जाएंगे हम लोग, फ्रेश हो गए फिर कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह आज तो गुड नाइट हो जाएगा अभी, तो तब तक के लिए स्टे सेफ बी स्ट्रांग, बाय बाय।